नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मैट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पहेलियों से संबंधित आपके सामने वीडियो नंबर 4 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहेलियों से संबंधित 3 वीडियो प्रस्तुत कर दिए हैं। इसमें आपको जो पहेलियाँ मिलेंगी वो बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक पहेलियाँ हैं। आप वीडियो को रोक कर उनका आंसर देने का प्रयास करें। अगर आंसर नहीं आता है तो बाद में हम उसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, पहली पहेली है, काली है पर कोयल नहीं, लंबी है पर डंडी नहीं, बांधी जाती है पर डोर नहीं, बताओ तुम उसका नाम। तो ऐसी क्या चीज है जो काली है और लंबी है और बांधी भी जाती है, तो आपको उसका नाम सोच कर बताना है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, वरना हम इसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर की जो चोटी है उसके बारे में यहाँ बातें हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर है चोटी। तो ये थी पहेली नंबर 1। अब हम देखते हैं आगे पहेली नंबर 2। पहेली नंबर 2 है कि ऐसा दिन कौन सा है जो कभी नहीं आता, कि अपने जो दिन हैं वो 7 होते हैं, तो उसमें उन दिनों में ऐसा कौन सा है जो कभी नहीं आता है। तो आप इसका आंसर सोचें। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हम इसका जवाब दे रहे हैं, वो दिन होता है कल। कल जो है ये ऐसा दिन है जो कभी नहीं आता है। पहली नंबर 3 है, 3 अक्षर का मेरा नाम, मध्य हटे तो कल बन जाएगा, बन जाओ मतलब इसका बीच का हट जाए तो कल बन जाए, और पहला हट जाए तो मल बन जाए। जो बताए, जो इसका नाम बताएगा वो महान कहलाए। तो ऐसा क्या है जो 3 अक्षर का है, इसमें बीच का कटे और पहला कटे, तो इसमें बताया गया है कि वो ये बन जाता है। तो आप उसका आंसर सोचें और उसका आंसर देने का प्रयास अवश्य करें। अगर इसका आंसर आपको नहीं आएगा तो हम इसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कमल। कमल जो है उसमें पहला हट जाता है तो मल रह जाता है, और बीच का हट जाएगा तो कल बन जाएगा। पहले नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हरी डंडी लाल कमान, तोबा तोबा करे इंसान, कि हरी डंडी है और लाल उसकी कमान है, और उसको प्रयोग करेगा इंसान तो तोबा तोबा करेगा, तो वो होती है मिर्ची। मिर्ची जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपने पहली नंबर 5, एक फूल है काले रंग का, सर पर सदा सुहाए, तेज धूप में खिल जाता है पर छाया में वो मुरझाए, छाया होते ही वो मुरझा जाता है और धूप होने पर वो खिल जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, आप आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता, छाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली नंबर 5 का राइट आंसर है छाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली नंबर 6 है, ऊंट की बैठक हिरण की चाल, जल्दी बताओ वो कौन
पहलवान कि वो बैठता तो ऊंट की तरह है और चलता है वो हिरण की तरह, आपको उसका नाम बताना है, तो उसका नाम सोचें और बताने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेंढक। मेंढक जो है इसका राइट आंसर है। पहले नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दी जा रही है कि कई लोगों को राह दिखाए, राह मतलब रास्ता, कान पकड़कर लोगों को पढ़ाए, साथ ही वो नाक दबाए, बताओ वो क्या कहलाए। तो वो क्या कहलाता है जो रास्ता दिखाता है इंसानों को, इंसानों को पढ़ाता है और उनकी नाक मतलब जो नोज है उसको भी वो पुश करता है, दबाता है। तो इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है तो देखें, अभी हम इसका राइट आंसर आपको बता रहे हैं, तो वो होता है एनक। एनक मतलब चश्मा, जो चश्मा होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पहले नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आंखें हैं पर देख नहीं सकती, मुंह है पर बोल नहीं सकती, कि ऐसी क्या चीज है जिसके आंखें हैं पर वो देख नहीं सकती और मुंह होने पर भी वो बोल नहीं सकती। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करें कि ऐसी क्या चीज होती है। तो हम इसका राइट आंसर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो होती है गुड़िया, जो खिलौने की गुड़िया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत की जा रही है कि बीमार नहीं है फिर भी खाती है गोली, हर कोई सुनकर डर जाता है ऐसी है उसकी बोली, कि वो बीमार नहीं होने पर भी उसको गोली खानी पड़ती है और उसकी आवाज़ सुनकर हर कोई उससे डर जाता है और उससे दूर भागने का प्रयास करता है। तो ऐसी क्या चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंदूक, कि जो बंदूक है उसके बारे में यहाँ बातें हो रही हैं। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज की अंतिम पहेली, पहेली नंबर 10। पहेली नंबर 10 में है सिर और दुम है, दुम मतलब पूंछ, मगर पैर नहीं है उसके, पेट और आंखें हैं मगर कान नहीं है उसके, ऐसा क्या है जिसके सिर भी है, दुम भी है, पैर भी है, पेट भी है, आंखें हैं मगर उसके कान नहीं है। आप इसका आंसर देने का प्रयास करें कि आपने ऐसी चीज देखी है या ऐसा कोई जानवर या प्राणी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सांप। सांप को तो आपने देखा होगा, उसके बारे में ये बातें यहाँ बताई गई हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मनोरंजन पहेलियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।